नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी से आए हुए काफ़ी नोटिस, जिनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो नोटिस का मैं बता देता हूँ, यूजी पीजी एग्जाम फोरम की तिथि जो 24 फरवरी थी उसको बढ़ा दिया गया है। उसके बाद यूजी पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट की जो अपडेट आई है, उसके बाद बीएड के यहाँ पे एग्जाम फोरम शुरू हैं, और बीए सेकेंडरी रिवेल के रिजल्ट को लेकर भी काफ़ी बड़ी अपडेट यहाँ पे सामने आई है। तो वीडियो को पैशन से देखते रहें, तथा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के आए हुए इन नोटिस के बारे में। यूजी पीजी एग्जाम फोरम, आपको पता है यूजी पार्ट फर्स्ट और पीजी प्रीवियस के एग्जाम फोरम चल रहे हैं 500 रुपये लेट फीस के साथ। उसकी अंतिम तिथि 26 फरवरी होने थी, लेकिन अभी उसी डेट को बढ़ा दिया गया है ना। यूजी पार्ट फर्स्ट और पीजी प्रीवियस की बता रहा हूँ मैं, उस डेट को बढ़ा दिया है, फर्स्ट ईयर और पीजी प्रीवियस जो कि 500 रुपये लेट फीस से चल रही है। अंतिम तिथि इसकी 2 मार्च कर दी गई है ना। आपको जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है यूजी पार्ट फर्स्ट, नॉन कॉलेज हो, रेगुलर हो, कैसे भी हो, उनको यहाँ पे फॉर्म भरना है। लेट फीस 500 रुपये लग रही है यहाँ पे, आपको फॉर्म भर के संबंधित महाविद्यालय में हार्ड कॉपी जमा करवानी है। ध्यान रहे, ई मित्र से फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी आपको जमा करवानी होती है। जमा नहीं करवाएंगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी चक्कर काटने पड़ेंगे। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए आप फॉर्म भरें और हार्ड कॉपी को संबंधित महाविद्यालय में समय से जमा करवाएं। 2 दिन का समय होता है, जिन्होंने नहीं करवाई है वो भी जमा करवाएं, देर ना करें ना, नहीं तो एडमिट कार्ड में समस्या आएगी उसके बाद में। तो दूसरा मैं यहाँ पे बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा, जो भी हाल ही में इसकी तिथि बढ़ी है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और पीजी फाइनल। ध्यान रहे, यूजी पार्ट फर्स्ट से जो प्रमोट हुए हैं सेकेंड ईयर में गए हैं, जो सेकेंड ईयर में हो गए हैं, तथा सेकेंड ईयर का जब रिवेल्ट का रिजल्ट आ गया है, जिनके सभी के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं सेकेंड ईयर के, तो जो थर्ड ईयर में गए हैं, और पीजी फाइनल, पीजी एमएएमएससी फाइनल है ना, एमकॉम फाइनल, तो इन सभी के भी यहाँ पे डेट बढ़ा दी गई है राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा। जो पहले अंतिम तिथि 24 फरवरी थी उसको बढ़ा दिया गया यहाँ पर, अब डेट 3 मार्च, 3 मार्च तक कर दी गई है। 3 मार्च तक आपकी कोई भी विलंब तिथि यहाँ पे लगेगी नहीं, विलंब जो शुल्क है यहाँ पे लगेगा नहीं, है ना। तो आपको विलंब शुल्क से बचने के लिए 3 मार्च से पहले पहले फॉर्म आपको भरना है। ध्यान रहे, वही चीज़ इसमें प्रोसेस जो कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर के एग्जाम फॉर्म को रही, तो आपको भी यहाँ पे ध्यान रखना है। एग्जाम फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी को संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाना है। दूसरा बात कर लेते हैं यूजी पार्ट फर्स्ट रिजल्ट अपडेट। बार बार यूनिवर्सिटी इस डेट को बढ़ा रही है, क्योंकि ध्यान रहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों को प्रमोट किया गया था, तो 10th और 12th की उनकी मार्कशीट अपलोड करवाने की तिथि थी। जिन्होंने अपलोड करवा दिया उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया, लेकिन जिन्होंने भी अब रिजल्ट जिनका भी सही नहीं आया है, ध्यान रहे जिन्होंने अपलोड नहीं करवाया है उनको 28 फरवरी तक, है ना, ध्यान रहे 28 फरवरी से पहले पहले आपको जिन्होंने 10th 12th अपलोड नहीं करवाई है उनको अपलोड करवानी है। अंतिम तिथि 28 फरवरी, ध्यान रहे मित्र से आपको अपलोड करवाना है। दूसरा मैं बता देता हूँ, जिसके भी रिजल्ट में अपलोड करवाने के बाद में भी समस्या आ रही है, जैसे फेल लिखा रहा है या फिर एबसेंट दिखा रहा है, जिनका रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है अपलोड करवाने के बाद, वो 10th और 12th की मार्कशीट लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो उनको भी यहाँ पे सही करवाना है रिजल्ट। उसके बाद ही आप सेकेंड ईयर का फॉर्म भर पाएंगे, है ना। आपके लिखा होगा RWEX, RWEN, तो आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी जाना है, EN वालों को क्या एनरोलमेंट नंबर सही करवाना है वहाँ पे, तो ये चीज़ें आपको 28 फरवरी तक सही करवानी है, उसके बाद ही आप सेकेंड ईयर का एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे, ध्यान रहे। दूसरा बात करते हैं बीएड के एग्जाम फॉर्म। बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी के संबंध, जो भी कॉलेज हैं बीएड की कॉलेज जो होने वाली हैं, जिन्होंने भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी बीएड, जैसे बीए बीएड बीएससी बीएड, जिन्होंने अब एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, जो 4 साल का कोर्स है, एक जो बीएड 2 साल का कोर्स है, उन सभी के यहाँ पे एग्जाम फॉर्म शुरू कर दिए गए हैं। ध्यान रहे नोटिस आ गया है, फॉर्म 28 फरवरी से 6 मार्च तक, 28 फरवरी से आपके बीएड के एग्जाम फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ध्यान रहे 4 वर्षीय बीएड या 2 वर्षीय बीएड, दोनों के यहाँ पे फॉर्म शुरू होंगे 28 फरवरी से 6 मार्च तक। आपको फॉर्म ई मित्र से भरना है और संबंधित महाविद्यालय में उसकी भी हार्ड कॉपी आपको जमा करवानी है। ध्यान रहे 6 मार्च से के बाद अगर आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे 100 रुपये लेट फीस लगेगी, उसके बाद में 2 दिन का और समय मिलेगा तो 500 रुपये लेट फीस लगेगी, लेकिन लेट फीस का इंतजार यहाँ पे ना करें, आपको 6 मार्च से पहले पहले फॉर्म आपको भरना है ना, और संबंधित महाविद्यालय में इसकी हार्ड कॉपी जमा करवानी है। दूसरा बात करते हैं बीए सेकेंडरी रिवेल का रिजल्ट। रिवेल का रिजल्ट कल जारी किया गया, इसके बाद काफ़ी सवाल खड़े हो गए हैं कि रिवेल के रिजल्ट में काफ़ी लोगों का रोल नंबर गलत बता रहा है, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, रिवेल का रिजल्ट हमेशा 3 या 4 बार में अपलोड होता है ना,
रुक रुक के रिजल्ट आता है, जैसे जिन्होंने पहले अपलोड करवाया रिवेल का, जिनका रिवेल पहले आएगा, जिन्होंने पहले लगाया था, तो यहाँ पे रिवेल का रिजल्ट जिनका आ गया है उनको अगली क्लास का फॉर्म भरना है। जिनका भी रोल नंबर गलत बता रहा है, ध्यान रहे, जिनका भी रोल नंबर यहाँ पे गलत बता रहा है, अगले 1 या 2 दिन में आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। तो परेशान ना हो, समय आपके पास मिलेगा रिजल्ट आने के बाद में, क्योंकि यहाँ पे अंतिम तिथि आपकी 3 मार्च है, इसके बाद में लेट फीस रहेगी 100 रुपये, तो उससे पहले पहले आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। जिसका नहीं आया है ना, जिसका आ गया है वो फॉर्म भरें और संबंधित महाविद्यालय में हार्ड कॉपी को जमा करवाएं। तो आने वाले समय में भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पुटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।